हे गाइस, इट्स मी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइको टेक। एंड गाइस, देखो इस वीडियो में मैं लाया हूँ एंड्रॉयड के कुछ 5 यूज़फुल एप्लीकेशन जो आपको ट्राई करनी चाहिए एंड बहुत ही यूज़फुल है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, सभी एप्लीकेशंस की डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी अवेलेबल है, आई मीन टू से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं नंबर 5 एप्लीकेशन की और नंबर 5 पे हमारा जो एप्लीकेशन आता है उसका नाम है कोलोरो। एंड ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड उन सभी आर्टिस्ट के लिए लाइक जो कि मोबाइल यूज़र है एडोब लाइट रूम। अगर आप फोटो एडिटिंग के शौकीन हैं तो आई नो आप लोग एडोब लाइट रूम तो ज़रूर यूज़ करते होंगे। एंड इसका काम क्या गाइस, इस पर आपको ढेर सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे, लाइक मोर देन 700-800 प्रीसेट्स। और आप बस इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको बस किसी भी प्रीसेट को टैप करना है एंड बस इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके गाइस, एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे बस अलाउ करना है एंड फिर आप किसी भी एप्लीकेशन टैप करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है हमारे नंबर 4 पे, ऑटो रिस्पॉन्डिंग ऐप फॉर व्हाट्सएप। गाइस, इस एप्लीकेशन का काम क्या है, बेसिकली आप व्हाट्सएप पे अगर कोई आपको मैसेज करता है तो आप यहाँ से पहले से फिक्स करके रख सकते हो। लाइक अगर आपको किसी ने हाई लिखा है तो आपको उसका क्या रिप्लाई देना है, ये ऑटोमेटिक रिप्लाई दे देगा। तो इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो बस आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर टैप करना है एंड इसको अलाउ कर देना है। एंड सेटिंग्स पर जा करके आप मैनुअली आप सेंड कर सकते हो। लाइक अगर आप प्लस पर टैप करते हो तो जैसे रिसीव्ड मैसेज टू ना ओके गाइस शुड बी आंसर्ड हाय एंड ट्राई फॉर फ्री आपको करना है। ओके गाइस, कलेक्ट आपको कर लेना। एंड गाइस, ये एक प्रो आई मीन टू से मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा इस एप्लीकेशन, ये फ्री एप्लीकेशन नहीं है तो इसका आपको परचेज करना पड़ेगा। बट आप क्या कर सकते हो गाइस, फ्री रिप्लाई देखने के लिए आप यहाँ पे ऐड देख सकते हो, पर ऐड गाइस ये आपको प्लस 5 पॉइंट्स मिलेंगे एंड इसे आप यूज़ कर सकते हो। अभी आप गाइस दो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। रिप्लाई मैसेज लाइक रिसीव्ड मैसेज हाई होगा, आप रिप्लाई मैसेज में जा करके हेलो लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप अपने डिले सेकंड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, लाइक 1 मिनट में या मैक्सिमम 5 मिनट में आप दे सकते हो एंड देन बस आपको सही कर देना एंड ये हो गया। सो गाइस, बढ़ते हैं नंबर 3 एप्लीकेशन की और ये जो नंबर 3 ऐप है उसका नाम है 4K वॉलपेपर। एंड बेसिकली इसका काम आपको पता ही होगा, नाम से आप पकड़ ही लिए होगी, लाइक इसके थ्रू आप गाइस अपने फ़ोन में HD क्वालिटी एंड 4K क्वालिटी तक की वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है गाइस, 6.5 MB समथिंग है एंड फ्री यूज़ है माइंड टू से आप देख सकते हो। अगर आप पहली बार से यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका पहले तो आपका ये जो डिस्प्ले साइज़ है, आपका जो फ़ोन का मॉडल है, ये आपका डिटेक्ट कर लेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वॉलपेपर शो करवाएगा। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड देन गाइस आप देख सकते हो इस पर एक से एक वॉलपेपर से, लाइक अगर मैं इसे चूज़ करता हूँ मेरे को क्या करना है, बस इसे डाउनलोड करना है एंड अलाउ पे टैप कर दूँगा। एंड गाइस बस इस एप्लीकेशन में आपको एड्स दिखने को मिलेंगे तो आपको क्या करना है, एड्स को प्रेस सिंपल बैक कर देना एंड आपको यहाँ पे अप्लाई विथ अदर ऐप क्रॉप एंड सेट कर सकते हो लॉक स्क्रीन एंड ये मेरा सेट हो गया आपका लॉक स्क्रीन में। एंड इस यही नहीं गाइस, आप यहाँ से आप ट्रेंडिंग फीचर एंड भी बहुत सारी कैटेगरीज दिए हुए जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लाइक अगर आप डार्क या ब्लैक यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोग वीडियो पे बने हुए हो तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, तो गाइस बढ़ते हैं नंबर 2nd एप्लीकेशन की और इस एप्लीकेशन का नाम है शेयर मी। एंड बेसिकली इस एप्लीकेशन का काम क्या है गाइस, आप इससे अपने फाइल्स को ट्रांसफ़र और ले सकते हो किसी और के फ़ोन से। एंड ये एप्लीकेशन आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, तो इसका बेसिक सा एक ही रीज़न है गाइस, क्योंकि बहुत ही फ्री है एंड अपने इंडिया का बना हुआ है तो बहुत ही सेफ एप्लीकेशन है एंड इजी टू यूज़ है कनेक्ट करने में या फिर किसी भी तरह में, ये कुछ भी देरी नहीं करता। एंड इसका जो डाउनलोडिंग स्पीड है, आई मीन टू से रिसीविंग स्पीड या सेंडिंग स्पीड है, वो बहुत ही तगड़ा है। सो गाइस, फाइनली बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 एप्लीकेशन की और इस एप्लीकेशन का नाम है गाइस MX Player। आई नो गाइस आप लोगों में से बहुत सारे
लोग इसे जानते होंगे, लाइक इस एप्लीकेशन का यूज़ करते होंगे, लेकिन इस एप्लीकेशन का यूज़ जो नहीं करते, मैं ये खास करके उनको बताना चाहता हूँ कि ये कितना यूज़फुल है हमारे लिए। लाइक गाइस, अगर आप अभी एम एक्स प्लेयर को यूज़ कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप एम एक्स प्लेयर के थ्रू अभी एम एक्स प्लेयर से शेयर भी कर सकते हो कुछ भी। लाइक अगर मेरे पास कोई वीडियो है तो मैं इसे एम एक्स प्लेयर के थ्रू यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ एम एक्स शेयर से। एंड यही नहीं गाइस, आप इसे प्राइवेट फोल्डर पर सेव भी कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास कोई वीडियो है जिसे आप नहीं दिखाना चाहते तो आप इसे क्या कर सकते हो, लॉक इन प्राइवेट फोल्डर पे डाल सकते हो। एंड फिर आप गाइस यहाँ से लॉक इन प्राइवेट फोल्डर पे ला करके आप निकाल सकते हो। ये काफ़ी मेरे को अच्छी मूवी लगी, फीचर लगी गाइस। एंड यही नहीं गाइस, आप इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो गाइस तो आप इसे आप अदर डिस्प्ले की और तो आप इसे गाइस किसी भी एप्लीकेशन की और तरह से चला सकते हो मिनिमाइज़ करके एज अ स्प्लिट स्क्रीन। लेकिन गाइस आप इसका ड्यूरेशन मतलब लेंथ चेंज कर सकते हो एंड हाइट भी चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो। एंड ये काफ़ी कूल एप्लीकेशन है एम एक्स प्लेयर, एंड भी बहुत सारे भी फीचर्स हैं। मैं खास करके इसे रिकमेंड करूँगा, अगर आप वीडियोस देखने के शौकीन हो तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ ज़रूर करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।